क्या सच में मुसलमानों के पूर्वज गुरु शुक्राचार्य थे? क्या इस दुनिया में मुसलमान की उत्पत्ति गुरु शुक्राचार्य से हुई थी? पूरी दुनिया यह जानती है कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। वहीं दूसरे धर्म को लेकर भी अलग अलग चर्चाएं होती रहती हैं। वहीं यह भी विषय बना रहता है कि क्या सच में मुसलमान के पूर्वज हिंदू ही थे। तो इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या सच में गुरु शुक्राचार्य ने ही बसाया था मक्का मदीना। दुनिया के मुसलमान माने या ना माने, पर उनके रहन सहन और उनके मक्का मदीना में हो रही पूजा पद्धति और उनके चिन्ह और उनके हो रहे त्यौहार किसी ना किसी तरह से हिंदू धर्म की तरह ही जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य ही मुसलमान के पूर्वज माने जाते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। दरअसल दोस्तों, ऋषि भृगु और असुर राज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरु शुक्राचार्य थे, जिन्होंने देवताओं के बदले असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया। कहते हैं कि देवताओं से असुरों का वंश बचाने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग उन्हें प्रदान किया। उसके बाद भगवान शिव ने शुक्राचार्य से यह भी कहा था कि उन्हें वैष्णव से दूर रहना है। भगवान शिव का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन भी किसी वैष्णव भक्त ने उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया, उसी दिन असुरों का विनाश हो जाएगा। कहते हैं कि उसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिससे जब भी देवासुर संग्राम होता तो असुर गुरु शुक्राचार्य असुरों को जीवित करने लगते। वहीं भगवान शिव से शुक्राचार्य को जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था, वह भारत से और हिंदुओं से कोसों दूर शुक्राचार्य ने एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया था, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब का नाम शुक्राचार्य के पोते औरव के नाम पर अरब रखा गया है। वही मूल रूप से शुक्राचार्य काव्य ऋषि माने जाते हैं। वहीं मक्का मदीना के भगवान शिव मंदिर को काव्य नाम दिया गया था, जो काव्य से काबा हो गया। यही पर बसा है भगवान शिव का शिवलिंग, जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। उसके बाद मुसलमानों ने इसे अपना एक पवित्र स्थल बना लिया। वहीं दोस्तों, शुक्राचार्य जी से एक और जुड़ी बात है, जो कि शुक्र को अरबी में महान माना जाता है और शुक्रम अर्थात शुक्रिया का जन्म शुक्राचार्य जी से ही हुआ है, जिसे अरब देश में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात और जानकर हैरानी होगी। मुसलमान का जो जुम्मा होता है, जो कि वह शुक्रवार को करते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि गुरु शुक्राचार्य के नाम से ही किया जाता है। शुक्रवार जो शुक्र ग्रह को दर्शाता है और शुक्राचार्य से मेल खाता है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य ही नहीं बल्कि सूर्पणखा का भी हाथ है। जी हाँ, रामायण के अनुसार सूर्पणखा का वध नहीं हुआ था और वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी थी। यह वही आश्रम था जहाँ पर गुरु शुक्राचार्य ने रेगिस्तान में इसे बसाया था। वैष्णव से कोसों दूर अरब में यह तो सबको पता ही है कि भगवान श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट लिए थे और तभी से वह अपना चेहरा ढक कर रखने लगी थी। शूर्पणखा के चेहरे ढकने की परंपरा को आज भी मुसलमानों में निभाया जाता है और उसे भुरका या हिजाब का नाम दे दिया गया है, जो ना हो इस्लाम धर्म में कपड़े पहनने की रीतियां कहीं ना कहीं भौगोलिक कारण से भी हुई है,
जैसे कि अरब देशों में तेज धूप होने की वजह से वहां के लोगों ने धूप से बचने के लिए टोपी पहनना शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर उनके पूजा पद्धति में शामिल हो गया। वैसे रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन तो नहीं है, इसीलिए अनाज आदि उगता नहीं, इसीलिए वहां के लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया और इस हत्या को उन्होंने कुर्बानी का नाम दिया। वहीं दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब कोई मरता है तो उसे दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता है, क्योंकि आत्मा का तो परमात्मा से मिलन होता है और इस नश्वर शरीर को तो जलाना ही होता है ताकि वह पंचभूतों में विलीन हो सके। और वही दूसरी तरफ मुसलमानों में जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है, और इसके पीछे की वजह यह है कि रेगिस्तान में तो लकड़ियां नहीं मिलती, इसीलिए वहां जला नहीं सकते थे, तो उन्होंने दफनाना शुरू किया, जो आज तक मुसलमान करते आ रहे हैं। अब अगर बात मक्का मदीना की जाए तो जो भी मुसलमान श्रद्धालु मक्का मदीना में दर्शन करने जाता है तो ट्रोलिंग क्लब पहनता है, यानी कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित लोग कपड़े पहनते हैं ठीक उसी तरह से वह भी कपड़े पहनते हैं। कहा गया है कि दोस्तों काबा में 360 मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से एक चंद्रमा की और एक शनि देव की भी है। वहीं मुसलमान इतिहासकारों के मुताबिक उनमें से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया है। शायद हो सकता है कि वह मूर्ति स्वयं गुरु शुक्राचार्य की ही हो। शनि और चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्ति होना भी इस बात का प्रतीक है कि काबा में 9 ग्रहों की पूजा होती थी, और उन 9 ग्रहों में एक तो स्वयं शुक्राचार्य भी थे। वहीं दोस्तों, एक और बात, हिंदू धर्म में अभी भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, और यह माना जाता है कि मुसलमानों को 9 ग्रहों की पूजा सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि गुरु शुक्राचार्य ही थे। वहीं अर्धचंद्र का चिन्ह भी काबा में महादेव के प्रतीक पर होना, इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र माना जाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर भी दिखाया जाता है, जो हो ना हो हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं मेल जरूर खाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पवित्र चिन्ह की बात करें तो हिंदू धर्म के पवित्र ओम शब्द के संस्कृत रूम ओम शीशे में देखोगे तो यह आपको अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुसलमानों में पवित्र माना जाने वाला नंबर 786 अंक भी ओम से ही बनता है। ध्यान देने वाली यह बात है कि कोई भी मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि 786 अंक हिंदुओं का वैदिक प्रतीक ओम ही है। वहीं मुसलमान काबा में जाकर मक्का के 7 बार परिक्रमा भी करते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने ही यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब देश के मुसलमानों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी, तभी तो उन्हें 7 बार चक्कर मारने की पद्धति याद है। हमारे विवाह संस्कारों में भी यह सब होता ही है। वही मक्का से कुछ दूरी पर साइन बोर्ड भी लगा है, जिस पर लिखा हुआ है मक्का में गैर मुसलमानों का जाना वर्जित है। अब यह साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, और आप सब यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है गुरु शुक्राचार्य ने महादेव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस क्षेत्र में हिंदुओं पर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया होगा। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भगवान शिव ने जब गुरु शुक्राचार्य को शिवलिंग दिया था, तब उनसे यह कहा था कि कोई भी वैष्णव भक्त अर्थात देवताओं का भक्त अगर मेरे शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो उसी वक्त इन असुरों का विनाश हो जाएगा। अब हिंदू मंदिरों की भी परंपरा या काबा से जुड़ी हुई है, साथ ही पवित्र पानी का भी वहाँ पर जुड़ाव है। जैसे कि हमारे भगवान शिव के मंदिरों के आसपास कोई ना कोई पवित्र नदी बहती है, वैसे ही काबा में भी एक नदी है जिसके पानी को जमजम के नाम से जाना जाता है। अब जमजम का पानी क्या है? भगवान शिव भी मुसलमान धर्म से जुड़े हुए हैं,
इस पर आप सब लोगों की क्या राय है जानना चाहूँगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या सच में गुरु शुक्राचार्य मुसलमानों के पूर्वज थे और उन्होंने ही इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, तो मेरा मानना है कि जी हाँ, गुरु शुक्राचार्य ही वह थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। बाकी आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।